वैसे गुलजफर साहब, आप पीटीआई से इलेक्शन लड़के एमएनए बने, चाय बेचते बेचते आपने 3,14,80,000 की जायदाद बना ली। वाह हुजूर, क्यों रो रहे हैं? इसी वजह से रो रहे हैं, आपने मुझे गुलसफर साहब कहे, नहीं तो मुझे तो एक ही आवाज आती थी, मीठा काटते पति तेज रखी होए। सर ऐसा क्या जादू था आपकी चाय में कि आपने इतनी जायदाद बना ली और एक गाड़ी भी है आपकी? किसकी? आपकी। ये तो झूठ है, ये सरासर ज़ियाती। मेरे पास तो गाड़ी है नहीं, वो तो मेरे एक दोस्त की गाड़ी थी, उसके साथ मैं बाजार घूमने गया तो लोगों ने बातें बना ली, ये इसने अपनी गाड़ी ले ली, अपनी गाड़ी ले ली। हाँ जी, गड्डी दोस्त या नंबर इन्हां दे नाम दा लगा। सर आपके पास 10,00,000 रुपए की नॉन कस्टम पेड गाड़ी है। अच्छा जी, मीठा पाके? मीठा पाके दे तेज पत्ती। अच्छा मुझे पता ही नहीं था 9,00,000। लेकिन तूने ऐसा कुछ किया ना जिससे इम्मी की इज्जत पे हलफ आया। What? तो तू बचेगा नहीं रे। आशा जी ए नहीं बोलदा, एदे जदा यार बोलदा। क्या? अबे यार क्या साकी दिमाग ठीक है? जिगर का टुकड़ा मेरा इमी। मैं तो अबे तुझसे बात कर रहा हूँ। ए चुप्पी। मैंने तो खुद सारी उम्र गीली पिच पे बैटिंग की और इमरान को सूखी पिच पे भेजा मैंने। इतना लिहाज किया उसका। सर आप अपनी हर मामले में चौंचड़ आते हैं, मैं उस चाय वाले से बात करेगी। क्या हुआ जनाब, आप क्यों रो रहे हैं? आपने मुझे चाय वाले कह दिया, अब तो मैं एमएनए बन गया हूं। अपनी चाह बनाउंदे, इसलिए तैनू नहीं बुलाउंदे। देखो मेरी बात सुनो, चाय बनाना कोई बुरी बात नहीं, हमसाए मुल्क में चाय बनाते बनाते तो वजीर आजम बने थे। तो यही बात आप इनको समझाए ना कि वो वजीर आजम बन गए, तो ये मुझे एमएनए ही नहीं मान रहे। वैसे सलीम साफी साहब को 1,50,000 की चाय कहीं आप ही ने तो नहीं पिलाई? नहीं, उन्होंने कहीं और से पी हुई होगी। मैंने तो एक दफा पत्ती डालूंगा तो 6 दफा चाय बना लेता हूँ मैं उसने।